सबसे बड़ा कमजोर हमारा ईचागढ़ विधानसभा है। झारखंड बहुत अमीर राज है लेकिन झारखंडी गरीब है। नहीं, ईचागढ़ गरीब है। संजय सर, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से है। इस बार एमपी में मोदी जी का वोट है। अच्छा, और उसी को देना उचित है। यहाँ की प्रशासन लड़ा था। प्रशासन किसका सरकार था उस समय? इंदिरा गांधी हराया? नहीं, भारत हराया, जो इकट्ठा करके मजदूर कभी नहीं बना सकता था। एक चीज बताइए, आप तो इतने पढ़े लिखे हैं, कुछ राष्ट्रीय नहीं राष्ट्रीय मुद्दा उसका पहले नाम को फैसला नहीं 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 किसको वोट डालना होगा? वोट डालने के तो डलवा लेंगे हम लोग, वो तो डलवा लेंगे, वो तो अंदर का चीज है, वो तो भारी डुगडुगाने का कोई चीज होता नहीं। नमस्कार, जोहार, मसाल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चुनावी सर्वेक्षण के लिए हमारी टीम घूम रही है। मैं नरेश आप सभी का स्वागत करता हूं। आज रांची लोकसभा क्षेत्र में एक चौका थाना अंतर्गत बांसा गांव है जहां हम लोग पहुंचे हैं। इसे आपको बता दें कि रांची लोकसभा में इस बार 3 प्रत्याशियों के बीच होड़ है। कांग्रेस की ओर से सुबोधकांत सहाय की बेटी यशस्वी सहाय, जो सोशल एक्टिविस्ट है, एडवोकेट भी हैं, उनको कांग्रेस की ओर से टिकट मिला, यानी इंडियन अलायंस की ओर से। वहीं दूसरी ओर बीजेपी की ओर से संजय सेठ हैं, जो दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। और एक नया नाम बहुत जोर से उभर रहा है, देवेंद्र महतो, जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के कर्मठ उम्मीदवार हैं। जयराम महतो का आप जानते होंगे, उन्हीं का ये टीम का सदस्य है और वो बहुत जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। और वो जैसा कि बताया जा रहा है कि इस बार वो ज़बरदस्त टक्कर देंगे। चलिए लोगों से ही पूछते हैं। मैं गुटेवली में रहने वाले हैं। मेरा नाम विभीषण महतो, मेरा स्वर्गीय पिता का नाम है ठगुदास महतो। मेरा मातकमडी पंचायत है, चांडिल प्रखंड के अंतर्गत सरायकेला खरसाना जिला, एवं झारखंड भारत वर्ष का निवासी हूँ। दादा का परिचय बहुत अच्छा है, लंबा चौड़ा है, और इतना ही ज़्यादा काम भी करते हैं। बहुत तरह का संगठन है और उस संगठन के माध्यम से क्या क्या काम करते हैं थोड़ा बताएंगे। लेकिन थोड़ा पूछना चाह रहे हैं दादा से कि इस बार जो है रांची लोकसभा का जो चुनाव है उसका कैसा चल रहा है हवा, इधर किसके पक्ष में? हमारे भारत में दो चीज़ में बंटवारा किया गया है, जो कि नरेंद्र मोदी हमारे तत्काल प्रधानमंत्री है, उसके पास 37 पार्टी है पूरा भारत में, एनडीए कहलाता है बस भारत में। तो जो उसका जो गठबंधन है, एकमात्र उनका लक्ष्य है जो हमको तीसरा बार सरकार बनाना है। उनका विकल्प के रास्ता में हमारे गांधी परिवार में राहुल गांधी जी ने हैं, तो बोलता है आपकी बार 400 पार, तो उसमें से हमको 28 परिवार का जो पार्टी उनको भी साथ दे रहा है, इंडियन अलायंस। हाँ, जो तो दोनों में से जो आज घर तैयारी किया भारत के लिए कि हम कैसे बचाएंगे, हमारा नौजवान लोग, हमारा किसान लोग, हमारा मजदूर लोग, हमारा पीड़ित शोषित लोग को कैसे जीवित करें। और हमारा रांची लोकसभा में सबसे बड़ा कमजोर हमारा ईचागढ़ विधानसभा है, जो इसमें हम लोग भ्रष्टाचार में मुक्त है, साथ साथ में जो भी यहाँ का विस्थापित है सब हम लोग मॉडल है। जितना कंपनी खुला गया है, जितना फैक्ट्री खुला गया है, जितना साम सिटी खुला गया है, जितना बाईपास रोड खुला गया है, जितना पाइपलाइन खुला गया है गैस का, जितना रेलवे लाइन का, सब अवैध रूप से काम हो चुका है। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ जितना फैक्ट्री खुला नया नया, उसमें स्थानीय लोग को रोजगार मिला है कि नहीं? मिला है, सब बाहर के लोग आए हैं, बाहर के लोग मिला है। अच्छा, साथ साथ में यहाँ का विधायक, सांसद, मुखिया, पंचायत समिति, ग्राम प्रधान, वार्ड मेंबर, प्रमुख, जिला परिषद, ये लोग मतलब और क्या बोलेंगे, अपना पॉकेट भरता है, अपना पॉकेट नहीं, ये लोग का अनुभवीहीन है, अनुभवीहीन है, अनुभवीहीन के कारण से विभाग से ये लोग समझौता नहीं कर पाते हैं, तालमेल नहीं कर पाते हैं, उसी भरोसा में यहाँ विकास का कमी है। और मानवता ऊंचा करने के लिए और समृद्ध को समाज को जोड़ने के लिए यहाँ लोग पीछे हटे हैं, और एक एक पोल पर विश्वास को खोने के लिए आदमी को साथ नहीं दे रहा है। अच्छा, इस बार बताए इधर का लोग किसको साथ दे रहा है? देखिए, हाँ, अभी जो 3 है, एक तो संजय सेठ है बीजेपी का कैंडिडेट दूसरी बार है, उसके और सुबोधकांत सहाय कांग्रेस का, उसका बेटी यशस्वी सहाय, और एक तो है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का टाइगर जयराम महतो का पार्टी का देवेंद्र महतो जी। तो आप लोग इस बार किसको आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, पहले तो वो लोग सामने बैठे हम लोग का, अभी तक वो लोग क्या मंशा लेके आ रहे हैं हमारे घर पर, और हमको उनका अंदर का चीज क्या देना है, अगल पड़ोस को क्या कराना है, तो वो तो हम लोग एक निर्णय बैठ के लेंगे, बात मिल लीजिएगा। हाँ, इसलिए कि पहले किसी को ऐलान करा देना, ऐलान करना,
अपना मूर्खता परिचय है। एक चीज बताइए, आप तो इतने पढ़े लिखे हैं, कुछ राष्ट्रीय मुद्दा जो है कि इस बार का जो राष्ट्रीय मुद्दा में महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन, ये सब आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? रोजगार हमारा ईंचागढ़ में जो जो समस्या विस्थापित लोग के लिए है, विस्थापित सबसे बड़ा समस्या है, और यहाँ मजदूर का और किसान का और नौजवान बेरोजगार का, चार चीज का समाधान अगर सांसद हमारे हमेशा लिए शीतकालीन सत्रकालीन जो भी हमारा वहाँ होता है पार्लियामेंट में, उस आवश्यकता को प्रत्येक बार अगर अपना तौर पर मानवता के हित में काम करे तो हम लोग उसका लोकप्रियता बनाएंगे। अब तक संजय सेठ ये सब मामला को लोकसभा में उठाया कि नहीं? ये सब अभी तक कुछ नहीं उठा है, खाली वो लोग अपना आश्वासन देके गया है, आश्वासन, खाली आश्वासन। उसमें पेपर कटिंग भी है, मुखिक निर्देश भी है, पेन और पेपर का भी उल्लेखनीय है। इसी के प्रति मैं सभी के भारत के नागरिक लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। विस्थापित एकता मंच हम बनाने जा रहे हैं ईंचागढ़ में, विस्थापित एकता मंच, विस्थापित भूमि रक्षा मंच, दोनों को लेकर के एक चर्चा चले हैं जो 7 जून पार करने के बाद हम लोग एक पहला बैठक करेंगे यहाँ के जितना। 7 जून तक तो चुनाव हो जाएगा? हाँ हाँ, 7 जून उसके पहले ना आपका फैसला? नहीं, तो किसको वोट डालना होगा? वोट डालने का तो डलवा लेंगे हम लोग, वो तो डलवा लेंगे, वो तो अंदर का चीज है, वो तो भारी डुगडुगाने का कोई चीज होता नहीं है, है ना? ठीक है, तो हवा तो बताइए कुछ, आप घूम रहे हैं। हवा बताएंगे, ये लोग पहले नॉमिनेशन करने दीजिए। अच्छा, के बाद बहुत अच्छा लगा, लोगों तक हम पहुंचाएंगे अपने चैनल के माध्यम से कि इस एरिया में चाहे कल कारखाना लगा हो, चाहे रोड बना हो, ये हो चाहे बड़ा बड़ा, हाँ इधर जो विस्थापित का जो मेन समस्या है उसको लेकर उठा रहे हैं और आने वाले दिन में संघर्ष करेंगे ग्रुप बना करके, जो कि हाँ। भारी मजदूर के लिए कठिनाई है और उसको मजदूरी नहीं मिल रहा है और 8 घंटा वो लोग अस्त व्यस्त मजदूरी कर रहे हैं। झारखंड गरीब, झारखंड बहुत अमीर राज्य है लेकिन झारखंड ही गरीब है? नहीं, ईंचागढ़ गरीब है। दादा एक बात बताइए, बोर्ड लगा हुआ है किस गाँव में जो है सभी के घर में शौचालय बन गया है, सही बात है? शौचालय सबके घर में बन गया है, बाकी है यहाँ लिख दिया बोर्ड में, तो लिख दिया के खुले में शौच मुक्त गांव, है ना? लिख दिया है, लेकिन अभी बाकी है। मेरा परिवार में नहीं है। नहीं है। दरखास्त दिया हूँ लेकिन उसका कब कार्रवाई हुआ मालूम नहीं मुझे, लेकिन यहाँ वोट टांग दिया है, है ना? लिख दिया किस गाँव में सबको मिल गया है। हाँ मिल गया है। इधर में संजय सेठ का भी आया, इधर का MP? इधर तो मेरा घर नहीं है। अच्छा, यहाँ आता है? आता है, हाँ। रामटोल संजय सेठ भारतीय जनता पार्टी BJP से आता है, लेकिन टाइगर जयराम महतो। टाइगर जयराम महतो, अच्छा, पार्टी का भी लोग खड़ा है। अच्छा, क्या उसका उसको वोट देंगे आप लोग? देखिए, यहाँ मोदी जी का वोट है इस, अच्छा, बार MP में मोदी जी का वोट है। अच्छा, और उसी को देना उचित है। मोदी जी का किस काम से आप प्रभावित है? मोदी जी की देश रक्षा कर रहे हैं, और जितना आदमी को घर दिया ना, पोरा का घर था पहले, पोरा का। आप तो बताएं कि आपका घर में अभी शौचालय नहीं बना? नहीं है। हाँ, नहीं, तो कैसे बोल रहे हैं? छूट गया, मेरा जमीन नहीं था। घर बना है इधर? घर तो बन रहा है, बन तो रहा है। अभी जो अबुआ आवास चल रहा है ना, वो था स्थगित किया गया, उसका नहीं बना है। अबुआ आवास चंपाई सोरेन का प्रोग्राम है, चंपाई सोरेन का? हाँ, वो मोदी सरकार का नहीं है, वो तो घोषणा कर दिया है। अबुआ पास JMM का जो सरकार है, चंपाई सोरेन का वो है। अच्छा, आप बताइए देश को क्या खतरा था जो आप बोल रहे हैं कि मोदी देश का रक्षा कर रहा है? पहले कभी गांव देश में खतरा हुआ है? हाँ हुआ है। कब? 1965 में चीन पाकिस्तान। तो कौन लड़ा था उसमें? कांग्रेस पार्टी लड़ी थी ना, BJP लड़ी थी? यहाँ की प्रशासन लड़ा था। प्रशासन किसका सरकार था उस समय? उस समय कांग्रेस प्रकार की, कांग्रेस का सरकार। 1971 में पाकिस्तान को कौन हराया था? 72 में इंदिरा गांधी हराई? नहीं, भारत हराया था। भारत तो प्रधानमंत्री कौन था? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। इंदिरा गांधी थे। हाँ, तो भारत हराया था बोल रहे हैं। तो अभी आप मोदी का नाम लेते हैं तो भारत सरकार तो मोदी का ही नाम लिया जाता है। इसी तरह इंदिरा गांधी का नाम लेना पड़ता है। अच्छा, जब पाकिस्तान को हराया था इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी की सरकार थी। अच्छा, मोदी जी का कौन सा काम अच्छा लगा? जो अभी सबसे पहले वो घर अच्छा लगा है, घर जो दे रहे जो PM है ना, PM आवास योजना जो बना लिया है, मान लीजिए जितना पैसा था उतना बना लिया है, लेकिन रहने के लिए घर मिल गया, कुछ दिया है रहने के लिए मिल गया, जो इकट्ठा करके मजदूर कभी नहीं बना सकता था। आप यही कहें कि यहाँ के नहीं है, हम बुंडू के हैं। कितना दूर यहाँ से? यहाँ से मोटा मोटी आपका होगा 60 किलोमीटर। तो रांची लोकसभा में आता है? नहीं, हम लोग तमाड़ लोकसभा में आते हैं। तमाड़ में खुटी कहाँ?
कमर खुटी में आता है ना। अच्छा, आप लोग की तरफ क्या हवा चल रहा है, किसको ले जाना है? खुटी में तो अर्जुन मुंडा है, कालीचरण मुंडा है। हम लोग तो बीजेपी के सपोर्टर में रहने वाले हैं। बीजेपी का बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बीजेपी का किस काम से आप खुश हैं? देखिए, उसका जो अभी डेवलपमेंट हुआ है मोदी, डेवलपमेंट मैंने क्या डेवलपमेंट बताइए? बहुत चीज़ ऐसे गरीबों के लिए बहुत कुछ ही किया है। क्या एक दो नाम बताइए ना। मोदी आवास जैसे मिला है, मोदी आवास जैसे मिला है, हाँ जैसे सड़क उड़क बना है, ये सब में बहुत ऐसे ही किया है, इसी कारण उसी में। आपके लिए जो है अभी पूरा जो नौजवानों के लिए, देश के लिए जो मुद्दा है सबसे बड़ा कि महंगाई काफ़ी बड़ा है, ठीक है, बेरोजगारी काफ़ी बड़ा है, भ्रष्टाचार काफ़ी बड़ा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने में मोदी बोला कि जो जो भ्रष्टाचारी है सबको हम जेल में डालेंगे, लेकिन जितना भ्रष्टाचारी लोग है जिसके खिलाफ केस उठा, सुन लीजिए, सबसे हंसने वाली बात है कि देश का प्रधानमंत्री बोलता है भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, जितना विपक्ष का आदमी है उसमें ईडी सीबीआई लगा देता है, ठीक है, और जब बीजेपी में आता है सब केस बंद हो जाता है। ये कौन सा काम है बताइए, क्या सही कर रहे हैं? ये तो गलत ही। जी गांव के हैं ना? हम इस गांव का नहीं है, हम दूसरा गांव का है। अच्छा, कितना काम करते? तो दुकान किसका है? दुकान मालिक का है। अच्छा, बताए कैसा चल रहा है दुकानदारी? दुकानदारी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है ना, तो देख के लग रहा है ना, मस्त सामान बनाते हैं आप लोग। यहाँ तीन कैंडिडेट है, इस बार किसको आगे बढ़ाना है? वो आगे जो बढ़ा है उसको ही को बढ़ाने है। कौन आगे बढ़ा है? मोदी आगे बढ़ा है। अच्छा, उसी को बढ़ाना है। अच्छा, का मतलब वो एक तो बीमारी निकला था ना। कौन बीमारी? वो क्या बोलता है, कोरोना। कोरोना में बचाया यार आदमी को, घर दुआ 3 लाख से ज्यादा लोग मर गया। हाँ, कोरोना में कितना हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं, बेड नहीं, ये सब मालूम है कि नहीं आपको? है ना। तो कोरोना के बाद जो अचानक एक बीमारी फैला, कोरोना, और 3 लाख से ज़्यादा लोग मर गया, तो नया नया हॉस्पिटल खुलना चाहिए देश में, एक भी हॉस्पिटल नहीं खुला। तो ये अच्छा बात है, खुलेगा कि नहीं खुलेगा ये तो हमको उतना थोड़े जाना। नहीं, अचानक अगर कोई बीमार पड़ जाए तो नया नया हॉस्पिटल तो खुलना चाहिए ना। खुलना तो ज़रूरी है।